बहादुर, देश के प्रधानमंत्री जी की माता जी नोटबंदी की कतार में लगती हैं तो वो देशभक्त कहलाती हैं, और देश के किसान की माँ किसान आंदोलन में आती है तो वो आतंकवादी कहलाती है। वो हराम का खाने वाला 24 घंटे टेलीविजन पर मोदी 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 कर हराम का खाने वाला आज ओएमजीसी में डायरेक्टर बन गया संबित पात्रा, समझ रहे हैं? इस देश की मीडिया जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा मोदी सरकार में, उतना स्तर देश की मीडिया का गिर चुका है। तो मीडिया तो बिक चुकी है। जिस तरीके से आपने देखा है ना, होटल के बाहर कुत्ते जो हैं वो झूठी प्लेटों का इंतजार करते हैं, वही हाल है देश की मीडिया का। चौथा स्तंभ नहीं है, देश की सरकार की गुलामी करने में लगी हुई है। कुत्ता भी जिसका नमक खाता है, रोटी खाता है, वफादारी करता है, ये तो उससे भी गैर गुजरे हैं। अभी मैं आप सभी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मान मर्यादा प्रतिष्ठा और गरिमा का सम्मान रखिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब आप हाथ में माइक पकड़कर कहेंगे कि मां की कसम खा रहा हूं इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूं, लेकिन कोई भी आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। देख रहा था, ये कॉन्फिडेंस ऐसे ही बने रहना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश के अंदर एक हवाई दुर्घटना होती है, वहां के लोग मरते हैं, तो उन्हें संवेदना पहुंचा देते हैं, लेकिन जब हमारे देश के 60 से ज्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, उनको लेकर देश के प्रधानमंत्री जी चुप और मौन रहते हैं। क्यों नहीं बोलते आप देश के प्रधानमंत्री जी देश के किसान के लिए? आपने जो भी अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताया, वो इस बात का अनुभव कराते हैं कि आप में भविष्य को बदलने की कितनी बड़ी शक्ति है। एक और बदलाव जो अब दिख रहा है, और हमारे देश की सरकार उन्हें संबोधित कर रही है तो खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, टेररिस्ट के नाम से। अरे अगर आतंकवादी हैं तो वो इस देश के नेता हैं, जो रहते इस देश में हैं, गाते इस देश का हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है, वो है इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी। एक और सरहद पर देश के जवान सीने पर गोली खाते हैं, पाकिस्तान से लोहा लेते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी उसी पाकिस्तान की बिरयानी खाते हैं। हमारे सदियों पुराने रिश्तों, हमारी संस्कृति, सभ्यता और संबंधों की सांझी विरासत ने हम सबको आपस में जोड़ करके रखा है साथियों। इसलिए मैंने 2018 में 3.8 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी की ताकत भी है। आप सिर्फ चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश के तमाम देश के किसानों का सर कलाम करने में लगे हुए हैं, उन्हें बलि का बकरा बनाने में लगे हुए हैं। आपको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी? सुनता हूं तो मेरी खुशी और बढ़ जाती है।